हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पहले गदर गदर का ट्रेलर हो रहा था कि गदर का ट्रेलर। अब जो है OMG 2 का ट्रेलर हो रहा है। लेकिन दोस्तों, कल अक्षय कुमार ने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला जिसको बताया कि भाई कल ट्रेलर आ रहा है, लेकिन यार वो रिलीज टाइम डालना शायद भूल गए। वो भूले नहीं, वो यही तो गर्मा गर्मी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि यार जिस तरीके से सर्टिफिकेट के चक्कर में सेंसर बोर्ड ने हमको तरसाया है, तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी फर्ज बनता है अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को थोड़ा बहुत तरसाना, ताकि सोशल मीडिया पे इसका एक थोड़ी देर के लिए एक बस बन जाए जो कि ट्रेंडिंग में आ जाए। तो दोस्तों, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है OMG 2 ट्रेलर कब आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रेडिक्शन लग रही है और मेरी सोर्सेज से जो बात हुई है वो क्या है। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, इसकी एडवांस बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट और कर दें अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नो टेंशन। देखिए दोस्तों, एडवांस बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता ही होगा। नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ट्रेलर कहाँ है? ट्रेलर नहीं आया उससे पहले ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी। वो इसलिए कि भाई गदर 2 ने अपनी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि टाइम तो आ चुका है गदर 2 का भी एडवांस बुकिंग करने का, अब नहीं होगी तो कब होगी। तो इसी बिहाफ पे अक्षय कुमार ने भी अपनी एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि भाई कुछ हमें भी मिल जाए। नहीं तो अगर सिर्फ गदर 2 ही दिखेगी एडवांस बुकिंग, तो सिर्फ गदर 2 को ही पब्लिक जाएगी, क्योंकि भाई कुछ तो साइड में होना चाहिए ना पब्लिक को सोचने के लिए। तो इसी वजह से अक्षय कुमार ने पब्लिक को सोचने का मौका दिया और आप OMG 2 में आइए, ट्रेलर तो आप देखते रहिएगा। तो पब्लिक भाई एडवांस बुकिंग कर भी रही है, एडवांस बुकिंग दोस्तों कर भी रही है। और मैं आपको बता दूं कि कितने की एडवांस बुकिंग हो चुकी है अभी तक। तो भाई देखिए, एक साइक्लिक वेबसाइट है, उसके दौरान अगर मैं बात करूं कि कितने की एडवांस बुकिंग हुई, तो दोस्तों अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो बिके हैं 5,000 टिकट। यानी कि जिस दिन इसकी कल इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो कल पहले दिन जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई 5,000 टिकट, और 2,00,000 रुपए की इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 5,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी इसीलिए क्योंकि गदर 2 ने स्टार्ट कर दी है ऑफिशियली, अब तो आना ही है। अब फिलहाल इसके ट्रेलर का टाइम कब है? देखिए दोस्तों, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि भाई 11 से 12 के बीच में आ सकता है, लेकिन अभी 12 भी नहीं बज रहे, अभी बज रहे हैं 1:12:53। मैं फिर भी 12:30 बजे तक रुका कि शायद अब आ गया होगा, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि मैं रिव्यू के लिए उसकी बेचैन था, लेकिन वो नहीं आया। तो अब जो दोस्तों टाइम है, वो मेरी अभी सोर्सेस से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा से एक टीम बैठी है अक्षय कुमार की, वहाँ पे अपना जो मेकर्स हैं वहाँ पे सब बैठे हैं। तो अब अभी तक मतलब ये भी उन लोगों ने भी नहीं सोचा है कि अभी इसको कब रिलीज करें। होगा आज ही, लेकिन किस टाइम, वो एक बेटर टाइम सोच के चल रहे हैं। क्योंकि एक टाइम होता है जैसे कि सुबह का टाइम तो अभी निकल गया, 11 से 12 बजे का टाइम तो निकल गया, टी टाइम होता है वो टाइम निकल चुका है। लेकिन अभी क्या है, अभी लंच टाइम है, लंच टाइम चलता है दोस्तों, कहीं कहीं चलता है 1:30 से 2:30, 1 से 2, कहीं कहीं 2 से 3। लेकिन जो थोड़ा सा एक रेस्ट टाइम होता है लंच के बाद, वो होता है 2 से 3 बजे तक का, 2 से 3 बजे तक का। तो लगभग दोस्तों 2 से 3 बजे के बीच में, जहां तक जो मेरा बंदा बता रहा है, वो यही कह रहा है कि भाई 2 से 3 बजे के बीच में आ सकता है। बाकी अगर यहां भी नहीं आया तो ये शाम को आएगा, फिर आएगा 5 बजे के बाद दोस्तों, अगर अब भी नहीं आया तो देखते हैं फिलहाल कि कब तक इसका ट्रेलर आता है। आई थिंक आप सोच के चलिए कि इवनिंग में आई थिंक आ सकता है, इवनिंग का तो मान के चलिए, क्योंकि इवनिंग में यह है कि इवनिंग में तो सारे जो जॉब्स वाले होते हैं, जितने भी सब लोग होते हैं, छुट्टी होती है, सब लोग अपने घर को जा रहे होते हैं, तो हो सकता है वो घर जाएं और उन्हें ट्रेलर दिख जाए। तो क्या सोचते हो आप लोग, क्या ऐसा हो सकता है? तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।